गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू परफेक्शन IAS। सो इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज हम कवर करने वाले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन चैप्टर। सो ट्रांसपोर्ट एंड टेली कम्युनिकेशन सेक्टर की बात करें तो 2020-21 के ग्रोस वैल्यू एडिशन में इसका कंट्रीब्यूशन था 11%। दैट मीन्स बिहार के ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन में ट्रांसपोर्ट एंड टेली कम्युनिकेशन सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था 11%। लास्ट डिकेड की अगर बात करें सो हाईएस्ट ग्रोथ था इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन सेक्टर। कितना ग्रोथ था ये? 14.4%। बिहार इस मामले में फर्स्ट पोजीशन पर है। दैट मींस ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन सेक्टर की ग्रोथ के मामले में लास्ट डिकेड में जो ग्रोथ हुई है उसके मामले में बिहार फर्स्ट पोजीशन पर है, उत्तर प्रदेश है वो सेकेंड पोजीशन पर है। लास्ट ईयर की बात करें तो TSC दैट इज ट्रांसपोर्ट स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में 10.3% की ग्रोथ हुई है। सिर्फ रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो लास्ट डिकेड में रोड ट्रांसपोर्ट में 17% की ग्रोथ अचीव की गई है बिहार के केस में, और इस मामले में बिहार टॉप पोजीशन पर है और उत्तर प्रदेश सेकंड पोजीशन पर है। इसके अलावा 2020-21 में बिहार में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 3086 किलोमीटर है पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर, और इस मामले में दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ रोड डेंसिटी बिहार है वो थर्ड पोजिशन पर है, केरला फर्स्ट पोजीशन पर है और वेस्ट बंगाल सेकंड पोजीशन पर है। किस मामले में? रोड डेंसिटी। रोड डेंसिटी मींस पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर में कितना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेशनल एवरेज की अगर बात करें तो ये है 1617 किलोमीटर, और अगर बिहार की बात करें तो ये है 3086 किलोमीटर। इसके अलावा 31 मार्च 2018 तक इंडिया का जो रोड नेटवर्क था वो था 62.16 लाख किलोमीटर। रोड नेटवर्क के मामले में USA टॉप पोजीशन पर है और इंडिया सेकंड पोजीशन पर है। रोड नेटवर्क के मामले में बिहार है वो 10th पोजीशन पर है इंडिया में। सो डेंसिटी में कौन सी पोजीशन पर है? डेंसिटी में है थर्ड पोजीशन पर। और रोड नेटवर्क के मामले में दैट मीन्स टोटल लेंथ, ओवरऑल लेंथ की अगर बात करें तो उसमें 10th पोजीशन पर है। बिहार में चार टाइप के रोड नेटवर्क हैं, 1 लेन, इंटरमीडिएट लेन, 2 लेन एंड 4 लेन। इसके अलावा नेशनल हाईवेज की अगर बात करें तो देश के नेशनल हाईवेज के कंपैरिजन में बिहार का जो कंट्रीब्यूशन था, दैट मीन्स बिहार का जो शेयर था नेशनल हाईवेज में, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कम हो गया है। 2013 में देश के टोटल नेशनल हाईवे का 5.3% कहाँ था? बिहार में। अब 2020-21 में सिर्फ 4% है वो बिहार में है। ऐसा नहीं है कि नेशनल हाईवेज घट गए हैं, बट ओवरऑल ग्रोथ है वो बिहार से ज़्यादा तेजी से हुई, तो इसीलिए बिहार का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम रह गया। बिहार में लास्ट 5 साल में नेशनल हाईवेज की ग्रोथ की बात करें तो 1326 किलोमीटर की ग्रोथ हुई है, और इसमें मैक्सिमम जो ग्रोथ हुई है वो समस्तीपुर में हुई है। पटना सेकंड पोजीशन पर है और ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वो थर्ड पोजीशन पर। नेशनल हाईवेज की अगर बात करें, ये थी लास्ट 5 साल में जो ग्रोथ है वो। अगर ओवरऑल डिस्टेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा नेशनल हाईवेज हैं वो पटना डिस्ट्रिक्ट में है। दैट मीन्स उसका लेंथ सबसे ज़्यादा पटना डिस्ट्रिक्ट में है। मधुबनी सेकंड पोजीशन पर है, मुजफ्फरपुर थर्ड पोजीशन पर है। सबसे कम नेशनल हाईवे, दैट मीन्स सबसे कम लेंथ नेशनल हाईवे की शिवहर डिस्ट्रिक्ट में है। नेशनल हाईवेज में जो हाईएस्ट शेयर है वो 2 लेन रोड का है। अप्रोक्सीमेटली 1/3 जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 2 लेन नेटवर्क का है, जबकि स्टेट हाईवेज में भी जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो 2 लेन रोड का है 68%। सो नेशनल हाईवेज में 2 लेन का कंट्रीब्यूशन कितना है? रफली 32.4%। स्टेट हाईवेज में 2 लेन का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 68.4%। इंटरमीडिएट लेन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स में इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो डिस्ट्रिक्ट रोड्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? इंटरमीडिएट लेन। इंटरमीडिएट लेन कितना कंट्रीब्यूशन है इनका? 44.9%। सितंबर 2021 तक बिहार में नेशनल हाईवेज की लेंथ की बात करें तो यह है अप्रोक्सीमेटली 6000 किलोमीटर्स। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि नेशनल हाईवेज में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है? 2 लेन रोड का। स्टेट हाईवेज की लेंथ है वो है 3713.97 किलोमीटर्स, और इसमें भी मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है 2 लेन रोड का। डिस्ट्रिक्ट रोड्स की बात करें तो इनकी लेंथ है 15,272.60 किलोमीटर, और इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है इंटरमीडिएट लेन रोड्स का। सो नेशनल हाईवेज अप्रोक्सीमेटली कितने हैं? 5947
किलोमीटर, स्टेट हाईवेज़ हैं रफली 3713 किलोमीटर एंड डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं रफली 15,272 किलोमीटर। परमिट फीस की अगर बात करें तो बिहार का जो शेयर है इंडिया की परमिट फीस में वो है 4.4%। नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा किस डिस्ट्रिक्ट में है? नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा है पटना डिस्ट्रिक्ट में, पटना में सबसे ज़्यादा है और शिवहर डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम। सिमिलरली अगर हम स्टेट हाईवेज़ की बात करें तो स्टेट हाईवेज़ में, दैट मीन्स स्टेट हाईवेज़ की सबसे ज़्यादा लेंथ है वो पटना डिस्ट्रिक्ट में है, गया सेकंड पोजीशन पर है और दरभंगा थर्ड पोजीशन पर। डिस्ट्रिक्ट हाईवेज़ में भी और डिस्ट्रिक्ट मेन रोड्स में भी मैक्सिमम लेंथ है वो पटना डिस्ट्रिक्ट में ही है। सो तीनों में ही स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड तीनों में ही पटना में सबसे ज़्यादा लेंथ है। नेक्स्ट है 2010 से रूरल इलाकों में रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा लेंथ कहाँ पर इंक्रीज हुई है? ये है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आता है मुजफ्फरपुर और फिर है गया। अनपेव्ड रोड की अगर बात करें, अनपेव्ड मीन्स जो पक्के रोड नहीं है, तो अनपेव्ड रोड के मामले में अररिया डिस्ट्रिक्ट है वो टॉप पोजीशन पर है। 2005 तक गंगा रिवर पर 4 ब्रिज थे और 2005 के बाद टोटल 12 ब्रिज और बनाए गए हैं गंगा रिवर पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इसके अलावा जो NH 31 है बिहार में उसकी लॉन्गेस्ट लेंथ है 404 किलोमीटर। सो ये जो रोड है ये बिहार में मैक्सिमम है। नेशनल हाईवेज़ की अगर बात करें सबसे कम हाईवे लेंथ कौन से हाईवे की है? ये है NH 727 जिसकी सबसे कम लेंथ है रफली 4.5 किलोमीटर और इसकी 404 किलोमीटर। ये जो हाईवे है NH 31 ये जाता है रजौली टू किशनगंज वाया डालकोला, दैट मीन्स बिहार के इन इलाकों से होते हुए ये पास होता है। इसके अलावा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमने अभी डिस्कस किया है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार का जो रैंक है देश में वो है 9th, रोड के मामले में 10th है, रोड के मामले में 10th, रेल के मामले में है 9th। अगर हम बिहार के शेयर की बात करें इन नेशनल डेटा तो बिहार का शेयर है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है 5.6% पर, दैट मीन्स देश का 5.6% रेल नेटवर्क है वो बिहार में है। और लास्ट 15 ईयर में बिहार में रेल रूट का जो इंक्रीमेंट हुआ है वो हुआ है 414 किलोमीटर्स, जिसमें से 74 किलोमीटर सिर्फ 2019-20 में ही तैयार हुआ है। इसके अलावा एयर ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो एयर ट्रांसपोर्ट का GDP में कंट्रीब्यूशन है वो अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है लास्ट डिकेड में। 2011-12 में ये था 30 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, जो कि 2020-21 में हो गया है 300 करोड़। इसके अलावा एक उड़ान स्कीम है उड़े देश का आम नागरिक, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। इस स्कीम के तहत पटना को अब अमृतसर, वाराणसी और प्रयागराज से कनेक्ट कर दिया गया है, दैट मीन्स यहाँ के लिए डायरेक्ट एयर रूट के थ्रू ट्रांसपोर्ट पॉसिबल है। इसके अलावा एक एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने एक रिपोर्ट जारी की थी एयर सर्विस क्वालिटी इंडेक्स, और इस इंडेक्स के हिसाब से पटना जो एयरपोर्ट है वो 86 पोजीशन पर है। इसके साथ साथ इसके अलावा एक एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी अप्रूव की गई है जो कि पटना के बिहेटा में स्थित होगी। इसके साथ साथ कई नए प्रोजेक्ट्स हैं वो अप्रूव किए गए हैं, जैसे इंटरनेशनल स्टेडियम कम स्पोर्ट्स अकेडमी जो कि राजगीर में होगी, महाबोधि कल्चरल सेंटर जो कि बोधगया में होगा, बुद्ध दर्शन म्यूजियम है ये वैशाली में होगा, और अब्दुल कलाम साइंस सिटी है ये पटना में होगी, और एक प्लेनेटोरियम को भी अप्रूव किया गया है ये दरभंगा में होगा। इसके अलावा इंडिया के पोस्ट ऑफिस की बात करें तो टोटल 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हैं इंडिया में, जिसमें से लगभग 9100 पोस्ट ऑफिस हैं वो बिहार में हैं, और इसके साथ साथ बिहार में 17,700 पेपर बॉक्सेस भी हैं। सो अगर ओवरऑल पोस्टल ऑफिस के परसेंटेज की बात करें तो बिहार में अप्रोक्सीमेटली 5.8% पोस्टल ऑफिस हैं इंडिया के, और इंडिया के टोटल लेटर बॉक्सेस के मामले में 4% लेटर बॉक्सेस हैं बिहार में। इसके साथ साथ टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो इंडिया का रैंक है वो है 2nd, टेलीफोन डेंसिटी है दैट इज 86.89, बिहार की टेलीफोन डेंसिटी है 53.69। सो टेलीफोन डेंसिटी में दिल्ली सबसे ऊपर है, हिमाचल प्रदेश 2nd पोजीशन पर और केरला है वो 3rd पोजीशन पर। इंटरनेट सब्सक्राइबर्स की अगर बात करें तो 2021 के मार्च महीने में इंडिया में टोटल इंटरनेट सब्सक्राइबर्स थे 825 मिलियन, बिहार में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स है 55 मिलियन ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन।
इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात कि इंटरनेट सब्सक्राइबर्स रूरल बिहार में ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हुए हैं रादर देन अर्बन बिहार। रूरल बिहार में जो ग्रोथ रेट था लास्ट के 6 साल में, दैट इज़ 2015 to 2021, सो ये था 338%, दैट इज़ रफली 3.3 times, जबकि अर्बन एरियाज में ये ग्रोथ रेट था 171%, दैट इज़ रफली 1.71 times। रूरल बिहार की अगर बात करें तो इंटरनेट सब्सक्राइबर्स थे 346 lakhs और अर्बन बिहार में ये नंबर था 208 lakhs। सो ये थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। थैंक यू।